दिग्रस में एक अंग्रेजी स्कूल के विद्यार्थियों का फर्जी तरीके से अपनी ही संस्था के मदद से भी प्रवेश दिखाकर जमकर सरकारी नीति हड़पने की शिकायत सामने आई है। शिक्षा क्षेत्र में कई तरह के गोरख धंधे खूब फल फूल रहे हैं। वैसे दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। महान उपन्यासकार प्रेमचंद ने कहीं लिखा था कि सांप्रदायिकता को सीधा सामने आने में ला जाती है, इसलिए वो हमेशा राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ कर आती है। इस तर्ज पर बात अगर कुछ उर्दू स्कूलों के संस्था चालकों की जाए तो प्रेमचंद की ही शैली में कहा जा सकता है कि इन्हें सीधे तौर पर भीख मांगने में ला जाती है, इसलिए वो आधुनिक शिक्षा की दुहाई देकर कौमियत का चोला ओढ़ कर फर्जी एडमिशनों पर मदरसे चलाते हैं ताकि मनमाने तरीके से सरकार का लाखों रुपयों का निधि हड़पा जा सके। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिग्रस शहर के कथित इंग्लिश स्कूल ने अपने ही विद्यार्थियों को अपनी ही संस्था के दूसरे मदरसे में फर्जी तरीके से प्रवेश दिलाया है, जिसकी भनक जब एक अभिभावक को लगी तब उसने स्थानीय शिक्षा विभाग को इस बारे में शिकायत सौंप दी है। मैंने मेरे लड़के का एडमिशन हाजी मूसा खान इंग्लिश मीडियम स्कूल में सन 2022-23 में दूसरी क्लास में करवाया था। उसके बाद उसकी वहाँ पर तीसरी हुई। तीसरी होने के बाद मैंने स्कूल की पूरी फीस जमा करके मैंने मेरे लड़के की टीसी निकाला और उसको ड्रीमलैंड स्कूल में लेके गया। ड्रीमलैंड स्कूल में जब उसको वहाँ पे एडमिशन कराया मैंने 10/7/2024 को, उसके बाद मुझे स्कूल से फ़ोन आया 28/8/2024 को कि सर बोले इसका आधार कार्ड लेकर आओ। बोले इसका आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा। मैं उसका आधार कार्ड लेकर जब लिंक करने के लिए वहाँ पर गया, जैसा उन्होंने आधार कार्ड नंबर जैसा डाले तो वो आधार कार्ड नंबर मेरे बच्चे का स्पीकवेल जो मदरसा है हाजी मूसा खान में, वो मदरसे के आईडी पर उसका पूरा बायोडाटा खुला। तो उसके आधार कार्ड में वहाँ पे छेड़छाड़ करके उसको 8वीं क्लास में बताया कि ऐसे बोगस धंधे करके स्कूल के शासन से पैसे ले रहे। इससे पहले उन्होंने 3,10,000 रुपये की निधि लेकर भी शासन की दिशा भूल करे। मैंने इसकी तकरार प्राथमिक शिक्षण अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, शिक्षण नियोजन अधिकारी, शिक्षण आयुक्त, मैंने सभी जगह इसकी तकरार किया कि भाई इसकी सखोल चौकसी करके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए डालते हैं, मगर ये इनकी इसमें ये क्या करते हैं, लोगों को जब पता नहीं होता तो ये अपने गुड फेथ में बच्चों को मदरसे में बताते हैं उनके एडमिशन, और शासन से निधि हड़प करने के लिए अलग अलग बोगस धंधे करते। इससे मेरी एक रिक्वेस्ट है अधिकारियों से कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसकी चौकसी की जाए। अगर इसमें ये दोषी पाए गए तो इनकी स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। ऐसा नहीं है कि कथित फर्जी मदरसों का ये गोरख धंधा आजकल में उजागर हुआ हो। इस बारे में तो NBC न्यूज चैनल ने पहले भी खबरें जारी की थी। फिलहाल इस फर्जीवाड़े के बारे में मिली शिकायत पर स्थानीय शिक्षा विभाग के शिक्षणाधिकारी मुकेश कोंडावार ने कार्रवाई का आश्वासन NBC न्यूज चैनल के समक्ष दिया है। नमस्कार, मैं मुकेश कोंडावार, गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिति दिग्रस, जिल्हा यवतमाळ। मोहम्मद शारिक, मोहम्मद रफीक राहणार चांदनगर दिग्रस यांनी त्यांचा पाल्य हाजी मुसा इंग्लिश स्कूलमध्ये शिकत असलेला पाल्य त्याचा दाखला त्यांनी ड्रीमलँड स्कूलमध्ये दाखल केला असता ऑनलाईन प्रोसेसमध्ये तो स्पीकवेल मॉडर्न मदरसा येथे शिकत असल्याबाबत नोंदीत असल्याबाबत ची तक्रार या कार्यालयास प्राप्त झालेली आहे। ती तक्रार पुढील चौकशीसाठी केंद्रप्रमुख दिग्रस यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे। चौकशी अहवाल प्राप्त होताच त्यानुसार उचित कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल। मदरसों में फर्जी प्रवेश दर्ज कराने वाले संचालक अपने आप में एक रैकेट चलाते हैं। इनमें और दो नंबर के कारोबारियों में कोई खास फर्क नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि दो नंबर वाले कारोबारी बेचारे अकेले ही बदनाम हैं और कुछ संस्था चालक दूध के धुले हैं। इन्होंने शराफत का चोला ओढ़ रखा है, साथ में कौम के खिदमत के दिखावे की बैसाखी भी है जो इन्हें नाम खराबी से बचाती है। उफ, कई बातें हैं, थोड़ा सांस लेकर बताता हूँ क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। सूत्रों के अनुसार मानोरा में रहने वाला एक शख्स है जो दिग्रस में एक ऐसा मदरसा चला रहा है जो पूरी तरह से मिस्टर इंडिया है, ढूंढने पर भी दिखता ही नहीं। इसके साथ ही सूत्रों ने यह भी बताया कि दिग्रस के अलावा कई अन्य शहरों में भी साइंस कॉलेजों में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बड़ी बड़ी तस्वीरें तो है लेकिन साइंस कॉलेज में प्रयोगशाला का पता नहीं।
सूत्रों के अनुसार दिग्रस में बगैर साइंस लैब यानी प्रयोगशाला वाली उर्दू स्कूलों में लैब अटेंडेंट है जो संस्था चालक का रिश्तेदार है, जो जब दिल करे तब आता है और उसे सैलरी भी समय पर मिल जाती है। हो सकता है कि लैब अटेंडेंट साहब काम करना भी चाहते हो लेकिन लैब नहीं होने से बेचारा काम क्या करेगा, इसलिए वो हफ्ते दो हफ्ते में आता है और हफ्ते भर की हाजिरी लगाकर चला जाता है। बात यहाँ खत्म नहीं होती, दूसरी बात ये भी है कि कहीं पर तो कुछ संस्था चालक अपने ही शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने प्रति शिक्षक प्रति कर्मचारी कुछ हजार रुपए वसूलते हैं। मतलब जो बात हमने ऊपर कही है कि सीधा भीख मांगने में ला जाती है। बहरहाल इस स्थिति पर अफसोस नहीं सद अफसोस है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक देश भर में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार मुस्लिम समाज का शिक्षा क्षेत्र तथा सरकारी नौकरियों में वजूद खाने में नमक की बराबर है, क्योंकि कथित इल्म के इदारे यानी स्कूल चलाने वाले संस्था खोरों की तरह ही कई सियासी रहनुमाओं ने भी समाज के खाने में अनदेखी, लापरवाही और स्वयं स्वार्थ का ऐसा जहर घोल दिया है जिस वजह से समाज में शिक्षा और उन्नति का स्तर मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।